तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से दी है मात। सूर्यकुमार यादव ने लगाया है तूफानी अर्धशतक। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने तीसरा टी20 मैच 7 विकेट से जीत लिया है। वही इसी तरह टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। वही सूर्यकुमार यादव ने 44 गेंदों पर 76 बनाकर अपनी टीम को जीत लाए। वही 8 चौके उन्होंने अपनी पारी में लगाए और 4 छक्के उन्होंने अपनी पारी में लगाए थे। वही मैच में वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 164 रन बनाए थे। ओपनर बल्लेबाज कल मार्च ने यहाँ पर अर्धशतक लगाया था। कल मार्च ने अर्धशतक लगाया था। जवाब में भारत ने लक्ष्य को 19 ओवर में हासिल कर लिया 3 विकेट खोकर। हालांकि मैच में टीम इंडिया को झटका लगा। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर रिटायर्ड हो गई। वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत की। रोहित शर्मा ने 5 गेंदों पर 11 रन बनाए। वही चौका चक्का उन्होंने यहाँ पर लगाया था, लेकिन वे हैमस्ट्रिंग के कारण रिटायर्ड हो गए। तब टीम इंडिया का स्कोर 19 रन था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और अय्यर ने दूसरे विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी करके जीत की नींव रखी। वही सूर्य कुमार 26 गेंदों पर अर्धशतक उन्होंने पूरा किया। वही अकेल हुसैन की गेंद पर वो छक्का लगाकर उन्होंने ये अपना जो अर्धशतक है पूरा किया। वही उन्होंने अपने उस अर्धशतक में यहाँ पर 6 चौके और 3 छक्के यहाँ पर जड़ लिए थे। वही दोनों के बीच सूर्य कुमार यादव और शेष अय्यर की भी अच्छी साझेदारी यहाँ पर हुई। वही टीम इंडिया के 100 रन पूरे 11वें ओवर में हुए। इस बीच अय्यर 27 गेंदों पर 24 रन बनाकर अकेल हुसैन का शिकार बन गए। वह उन्होंने 2 चौके अपने पारी में लगाए। इसके बाद सब पंत उतरे, उन्होंने आते ही चौका छक्का यहां पर मारना शुरू कर दिया। इस बीच सूर्य कुमार यादव 6 रन बनाकर हैमस्ट्रिंग डिस्क का शिकार हुए। वही पांड्या 4 रन बनाकर आउट हुए। वही पंत 26 गेंद पर 33 और दीपक हुड्डा 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर इस मैच में नाबाद रहे। इससे पहले ओपनर बल्लेबाज वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज काइल मायर्स ने अर्धशतक लगाया और वेस्टइंडीज को 5 विकेट पर 164 रन तक पहुंचाया। वही मायर्स ने 50 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्के जड़े। वह 73 रन की उन्होंने पारी यहां पर खेली और ब्रेंडन किंग के साथ पहले विकेट के लिए 57 रन की यहां पर जो साझेदारी वो भी की। वही कप्तान निकोलस पूरन 23 रन इस मैच में बनाए थे। दूसरे विकेट के लिए उन्होंने 20 रन जोड़े, मतलब ये रन जोड़े थे। भुवनेश्वर कुमार भारत के सबसे सफल गेंदबाज यहाँ पर इस मैच में रहे। उन्होंने 35 रन देकर 2 विकेट चटके। वही हार्दिक पांड्या ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 1 विकेट चटका। वही आवेश खान भी इस बार महंगे साबित हुए। उन्होंने 3 ओवर में 47 रन लुटाए, जबकि उनको कुछ सफलता इस मैच में नहीं मिली। यानी आवेश कुमार इस मैच में वो सफलता यहाँ पर हासिल नहीं कर पाए। वही रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने एक बार फिर आवेश को अपने निशाने पर रखा। उनके पहले तथा पारी के 3rd ओवर में मायर्स ने लगातार गेंदों पर चौके और छक्के यहां पर मारे। वही मायर्स ने आक्रमण रवैया अपनाते हुए भुवनेश्वर को भी यहां पर 2 चौके जड़े और फिर पांड्या का स्वागत छक्के के साथ किया। वही मायर्स ने ब्रेंडन किंग के साथ मिलकर पावर प्ले में टीम का स्कोर 46 तक पहुंचाया। वही मायर्स ने आर अश्विन के भी यहां पर गेंदों पर 2 चौके यहां पर मारे थे, लेकिन पांड्या ने दूसरे मैच में अर्धशतक जड़ने वाले किंग यानी ब्रेंडन किंग को यहां पर बोल्ड करके 50वां T20 इंटरनेशनल विकेट हासिल किया। हार्दिक पांड्या ने किया। वही अश्विन और पांड्या के बीच 4 ओवरों में रन की गति पर अंकुश लगा, लेकिन मायर्स नहीं रुका, मतलब वो जो मायर्स थे उनको यहाँ पर नहीं रोक पाए और मायर्स ने अश्विन की गेंद पर छक्का के साथ 38 गेंदों में अपना अर्धशतक इस मैच में पूरा किया। वही हिटमायर ने 20 रन बनाए थे 19वें ओवर में। आवेश का यहाँ पर आवेश की लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के और मारकर उस ओवर में 19 रन बटोरे, जबकि रोमन पोवेल 23 रन उन्होंने बनाए थे। अंतिम ओवर में अस्तीप के लगातार 2 चौके उन्होंने मारे थे। अस्तीप ने पोवेल को हुड्डा के हाथों कैच कराया, जबकि हिटमायर रन आउट हुए।